बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मुदस्सिर हसन दादा भाई अपने चैनल दादा भाई रिएक्शन के साथ, और मेरे साथ हैं सैयद सबी हसन बख्शी। जी सैयद सबी हसन बख्शी, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब खैरियत से हैं। दुआ करते हैं कि तमाम दोस्त जो हैं अल्लाह ताला उनको भी खैरियत अमान में रखे। और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक जो है उसका मुबारक महीना जो है वो तकरीबन इख्तिताम पज़ीर हो चुका हुआ है, और आज हमने जो वीडियो चूज़ की है वो आप समझ लें कि अलविदा अल रमज़ान। तो सबसे पहले सभी आपको बताएंगे कि हमने कौन सी वीडियो चूज़ की है और उस चैनल का क्या नाम है, और हम ये नज़म सुनेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर अपना रिएक्शन देंगे। जी सभी दोस्तों को बताइए कि आज हमने कौन सी नज़म चूज़ की है रमज़ान के हवाले से। अच्छा, जो हमने नज़म चूज़ की है उसका नाम है 2020 रमज़ान स्पेशल नशिद। अच्छा, अलविदा माह रमज़ान। और तो इस चैनल का नाम है हाई टेक इस्लामिक नात। चलो जी, हाई टेक इस्लामिक नात वालों की जनाब ये नज़म है, और सब इसको स्टार्ट किया जाए फिर। जी स्टार्ट करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 1, 2 and 3। कल्बे आशिक है अब रमज़ान। बज़्म फितार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सूना सूना। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और शौके इबादत बढ़ा था। आहा बिद पे है गम का गलबा, जब गुजर जाएंगे माह ग्यारह, तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा। अलविदा रमज़ान, याद रमज़ान की तड़पा रही है, आंसुओं की झड़ी लग गई है, कह रहा है हर एक कतरा कतरा रमज़ान। तेरे दीवाने सब रो रहे हैं, मुज़तरिब सब के सब हो रहे हैं, कौन देगा इन्हें रमज़ान। वास्ता तुझको मीठे नबी का, हश्र में हमको मत भूल जाना।
रोजे महशर हमें बख्शवाना। अलविदा अलविदा माहे रमजान, साले आइंदा शाहे हरम तुम, करना हम सब पे अब ये करम तुम। तुम मदीने में रमजान दिखाना, देखाना। हाँ जी, अलविदा अलविदा अल रमजान। जी सभी, कैसा लगा आपको ये क्लिप? बहुत अफसोस हो रहा है कि रमजान इख्तिताम पजीर हो गया है। बस जी दोस्तों, 2020 का जो रमजान मुबारक था वो अपना इख्तिताम पजीर हो चुका है, और आज हमारा ये स्पेशल क्लिप था दोस्तों के लिए कि अलविदा अलविदा अल रमजान। हमने सोचा कि रमजान को हम भी अलविदा कह दें, और जो कुछ इन्होंने इस नज़म में दुआ मांगी, अल्लाह ताला से दरख्वास्त और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हकीकतन हरम शरीफ में, काबतुल्ला में और मस्जिद नबी के अंदर रोज़े रखने की भी तौफीक अता फरमाए, और इफ्तार करने और सहरी करने की भी तौफीक अता फरमाए। क्योंकि सभी आपको पता है वहाँ पर हरम के अंदर जो सहरी और रोज़ा रखने का जो अपना एक मज़ा है ना, वो बयान नाकाबिले बयान है मेरा ख्याल है वो। तो क्योंकि शायद आप तो वहाँ पर नहीं गए, लेकिन मुझे जाने का इतफाक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और वाकई वहाँ की जो रौनकें हैं वो मैं कहता हूँ बयान से बाहर हैं। और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें दोबारा अगले साल फिर रमज़ान जो है वो नसीब फरमाए। और सभी आपने रोज़े रखे इस दफ़ा आपने? अल्लाह का शुक्र इस बार सारे रोज़े रखे। अच्छा चले जी, अल्लाह ताला तौफीक दे आपको, क्योंकि गर्मी थी इस साल और कोरोना की वजह से भी जो थे रमज़ान के अंदर इबादत में थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा, क्योंकि तरावी में और दीगर नमाजों के अंदर मस्जिद के अंदर जो था वो थोड़ा सा मतलब एक सख्ती सी पाई गई, लेकिन बहरहाल हालात के पेश नज़र ये हमें थोड़ा सा इसको बर्दाश्त करना पड़ा। और अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि जी अल्लाह ताला अगला रमज़ान जो है वो हमें खैर आफियत से नसीब फरमाए, और इस रमज़ान को हम अलविदा कहते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल ईदुल मुबारक का जो ईदुल फितर का जो दिन होगा उस पे हम इंशाल्लाह अपना एक स्पेशल वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। आप लोग हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, अपने कमेंट सेक्शंस के अंदर ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियोस कैसी हैं, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और हमारा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसी के साथ मुझे सैयद मुदस्सी हसन दादा भाई और सभी हसन बख्शी को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।